हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी गार्डन में। फ्रेंड्स, शाम का समय हो रहा है और जो कि मेरे पास हिबिस्कस के प्लांट बहुत सारे मिली बग लगे हुए थे, मैंने सबको कंट्रोल कर लिया। जितना भी बहुत ज़्यादा जो लगा हुआ था तो उसको तो कट करके हटा दिए और नीम ऑयल का स्प्रे करते करते 3-4 दिन लगातार करने पर वो सब हट गया है। लेकिन कल जब मैं इस तरह अपने गार्डन में घूम रही थी तो देखा मैंने मेरा जलबेरा में भी मिली बग लग गया, देख सकते इस तरह से। ऐसे तो जलबेरा में जल्दी मिली बग नहीं लगता फ्रेंड, लेकिन देख सकते हैं। और इसको जो है समर और मानसून में बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावर देता है। विंटर में ये ठंडे मौसम का ये प्लांट है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावर देता है। लेकिन ये प्लांट जो उसमें से 5 प्लांट मेरे पास में है, देख सकते हैं एक इधर है, ये तो काफ़ी पुराना हो गया प्लांट और ये भी काफ़ी पुराना हो गया। 3 प्लांट जो है मेरे पास में नया लिया हुआ है, एक देख सकते हैं ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, बाकी सब भी ठीक ठाक है। क्योंकि अभी समर का मौसम है तो इसमें जो भी किसी खर पतवार निकल गया था तो उसको हम हटा नहीं रहे थे क्योंकि इसमें कंपोस्ट वगैरह हम नहीं डाल रहे थे। विंटर में समर के समय जो है और मानसून में बहुत कम फ्लावर होता है तो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह इसमें काम पड़ता नहीं है, तो जहाँ तक हो सके केवल वाटरिंग कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, कल देखते देखते मुझे मिली बग दिख गया तो मैं सोच रही अपने प्लांट को साफ़ सफाई करके इसमें थोड़ी बहुत कंपोस्ट भी डाल दूँ ताकि प्लांट भी मेरा हेल्दी हो जाए और मिली बग का भी उपाय कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी है इसमें खर पतवार जो निकल गया है क्योंकि हमारे यहाँ इस बार मानसून में भी बारिश हो गया फिर, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा खर पतवार निकल गया। और ये भी जो पुराना पुराना पत्ते होता है, सड़ा हुआ गला हुआ पत्ता होता है, उसको भी हटा दें। पूरी अच्छी तरह से इसको सफाई करना ज़रूरी होता है। ये प्लांट जो है फ्रेंड परमानेंट प्लांट है, लेकिन अगर आप देखभाल अच्छे से कीजिएगा तब जो हाइब्रिड होता है वो जल्दी गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए अपने प्लांट को जो है मैं इस तरह से करके झुंड में रख देती हूँ, सभी प्लांट के बीच में रख देती हूँ। तो 2 प्लांट तो मेरा बहुत पुराना हो गया है लेकिन 3 प्लांट इसी बार ऐड किए हैं, लेकिन अभी तक तो ठीक ठाक है। आगे आप लोग को बताते, पहले सफाई अच्छे से कर लेते हैं सभी प्लांट को, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। देख सकते हैं सभी को अच्छे से साफ़ सफाई कर दिए हैं, जो भी सूखा देख सकते हैं इतना इस तरह से निकाल दिए हैं, जो भी इसमें सूखा पत्ता था जो ज़मीन को टच कर रहा था उसको भी हटा दिए हैं क्योंकि इससे खरपतवार जो होता है उससे भी फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस तरह से हटा दिया। और इसलिए जो देसी वाला फ्रेंड, बाकी 2-3 जो है मेरे पास में हाइब्रिड है और इसमें लगता है कि 1-2 बल्ब रह गया होगा रजनीगंधा का, तो देख सकते हैं। लेकिन इसको भी कब निकाल रहे थे तो इसमें बहुत सारा बर्ड्स बना हुआ है, देख सकते हैं इस तरह से। तो इसको छोड़ दिए हैं, बाद में अभी तो नहीं करेंगे बारिश का मौसम में, या बाद में हटा देंगे इसको, देख सकते इस तरह से। सभी को अच्छे से साफ सफाई कर लिए हैं और इसमें बहुत सारा प्लांट भी बन गया, 1-2 प्लांट ही था लेकिन बहुत सारा प्लांट बन गया इसमें भी देख सकते हैं। और इसमें तो बहुत सारा बर्ड्स भी आ रहा है, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। और उसमें तो अभी नहीं दिख रहा है लेकिन उसमें दिख रहा है कि बर्ड्स भी बना हुआ है, इसमें भी 1 बर्ड्स बना हुआ है। तो चलिए, बर्ड्स तो बहुत कम बनता है समर में, प्लांट हेल्दी होना चाहिए। तो सभी जितना भी खरपतवार था सबको अच्छे से निकाल दिए हैं और जो मिली बग लगा हुआ था पत्ते पर उसको भी हटा दिए हैं। अब जो अगर स्प्रे करेंगे नीम ऑयल का तो उसमें सभी प्लांट में, जितने भी सैटरडे को स्प्रे करेंगे फ्रेंड, तो जितना भी प्लांट है सभी में स्प्रे करेंगे, तो इस बार इसमें भी कर देंगे क्योंकि ये नीचे नीचे रहता है तो उतना झुकझुक के नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर जितना भी प्लांट रहता है सभी में कर देते हैं। तो इस बार इसमें भी कर देंगे, जितना भी नीचे नीचे में भी प्लांट है तो इस तरह से सभी में कर देंगे। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा कंपोस्ट लिक्विड डाल देते हैं, ठंडा कंपोस्ट, गर्म नहीं डालना रहता है क्योंकि जलबेरा जो है समर में बहुत, एक तो बहुत तेज़ गर्मी हमारे यहाँ हो रही है बिहार में, 45-44 चला जाता है, 44-45 जा रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन अभी शाम का समय है तो सूखा कंपोस्ट भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या तो लिक्विड बना करके, लेकिन मैं इसमें जो है सीवीड का लिक्विड डालूंगी फिर। ये देख सकते हैं ये 5 लीटर का बकेट है लेकिन 2-3 लीटर ही पानी लिए क्योंकि 5 ही प्लांट है, बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं है। और ये है सीवीड, ये लिक्विड वाला है, ये इंडोर प्लांट के लिए लेके रखते हैं हम, इस तरह से सीवीड है, पता नहीं कहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं दिख भी रहा हो कि नहीं ठीक से। तो ये सीवीड लिक्विड है फ्रेंड, इसको इंडोर प्लांट के लिए ला के रखते हैं नीचे डालने के लिए, ऐसे हम ग्रेनुअल भी रखते हैं लेकिन अभी इसमें इसी को डालेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं डालना रहता है, 1 ml लीटर में कम से कम 5 ml डालना पड़ता है, तो ये कम से कम 2-3 लीटर पानी होगा तो इसमें 15 ml अंदाज से डाल देंगे फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ये कम नहीं डालेंगे क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये लिक्विड जो है प्योर ऑर्गेनिक है,
इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, थोड़ा बहुत अगर कम बेसी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और इसको अच्छे से मिला लेना, मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिक्विड अगर आप इसको ग्रेनुलर डालते हैं तो उसको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या 15-20 मिनट इस तरह हिला के रखिएगा तो देखिएगा कि वो भी मिल जाता है। इस तरह से करके सभी प्लांट में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालना है, बस इस तरह से कम हाफ हाफ लीटर जो है प्लांट में डाल देंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि समर का सीज़न है। और ऐसे भी ये जो खाद है, ये जो लिक्विड बना के हम डाल रहे हैं, वो ठंडा लिक्विड है फ्रेंड, तो आपका प्लांट को कोई भी हार्म नहीं करेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से सभी को डाल दिए हैं। शाम के समय डालना है, गर्मी के सीज़न में जो है कोई भी कंपोस्ट अगर डालते हैं तो शाम में, या तो अर्ली मॉर्निंग सुबह में, या आप स्प्रे भी करते हैं नीम ऑयल का तो भी सुबह में करिए या तो शाम में कीजिए। सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है शाम में, क्योंकि शाम में कीजिएगा तो पूरे ये रात में रहेगा, कम से कम 6-7 घंटा रहता है, तो प्लांट में जो भी इसमें लिक्विड जो हम लोग डालते हैं स्प्रे करते हैं उसमें कीड़ा जल्दी नहीं लगता है। और धूप के समय अगर सुबह में डालिएगा तो 2-3 घंटे के बाद धूप निकल जाता है, तो प्लांट का जो होता है जो भी हम लोग स्प्रे करते हैं उसका असर ख़त्म हो जाता है। तीन सब बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड, तभी जरबेरा बहुत अच्छे से लगा। और जरबेरा को एक जगह पर रख दीजिए, जैसे प्लांट के बीच में झुंड में रखिए, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रहा तो प्लांट जो है बहुत जल्दी ख़राब होता है, खास करके हाइब्रिड ही जितना भी जरबेरा होता है वो। और विंटर समर में इसको जो मानसून में समय में इसको जो है ऐसे जगह पर रख देना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना गिरे, तभी प्लांट जो है परमानेंट आपके गार्डन में रहेगा। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।